से गम मिटाता है मोहम्मद, से गम मिटाता है मोहम्मद, से गम मिटाता है मोहम्मद नाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना शरीफ स्टेटस वीडियो एडिट करेंगे हम अलाइट मशीन ऐप में, तो आपको अलाइट मशीन में से के पेट और बीट मैप प्रीसेट है वो दोनों भी आपके अलाइट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर बीट मैप प्रीसेट ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो है MP3 म्यूजिक नहीं है, तो MP3 म्यूजिक जो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से आप डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में MP3 म्यूजिक ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस करता हूँ, मीडिया ऐप टाइप कर लेता हूँ, तो वीडियो जो एक्सपोर्ट किया था वो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस वीडियो पे टाइप कर लेना है और थ्री डॉट पे टाइप कर लेना है, स्ट्रेट ऑडियो कर लेना है। अब जो MP3 म्यूजिक एक बाद में यहाँ पर इस वीडियो को ऐसे डिलीट कर लेता हूँ। अब जो MP3 म्यूजिक ऐड करे बाद में आपको इमेज ऐड करना है, तो इमेज ऐड करने के लिए लास्ट में आना है, तो यहाँ पर प्लस करना है, मीडिया टाइप कर लेना है, यहाँ पर फर्स्ट में इमेज सेलेक्ट कर लेना है और प्लस करना है। और इस इमेज को थ्री डॉट पर टाइप कर लेना है, फुल कॉम्प्रेसिव रैप टाइप कर लेना है और इस इमेज को यहाँ पर क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के लिए यहाँ पर शेयर पर टाइप कर लेना है और यहाँ पर क्रॉप फ्रेम PNG करके इस पर टाइप कर लेना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पर सेव पे टाइप कर लेना है और जो दूसरा इमेज सेलेक्ट कर लेना है और थ्री रैप टाइप करना है, फुल कॉम्प्रेसिव रैप टाइप कर लेना है और यहाँ पर इसको शेयर पे टाइप कर लेना है और क्रॉप फ्रेम PNG पे टाइप कर लेना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आप इसी तरह से 20 इमेज आप इसी तरह से क्रॉप कर लेना है, यहाँ पर शेयर पे टाइप कर लेना है, क्रॉप फ्रेम PNG पे टाइप कर लेना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। अब जो यहाँ पर इस तरह से डिलीट कर लेना है, तो आप इसी तरह से सारे इमेज सही जो है आप क्रॉप कर लेना है और इसके बाद में आपको इमेज ऐड करना है। तो यहाँ पर 12:19 पे आना है, 12:18 पे, तो यहाँ पर इमेज अभी जो क्रॉप किए थे वो इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, मीडिया टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर अलर्ट मशीन पे आना है, वो इमेज जो क्रॉप किए थे वो इमेज सेलेक्ट कर लेना है और थ्री डॉट पे टाइप करना है, फुल कॉम्प्रेसिव रैप टाइप कर लेना है और यहाँ से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड देना है। तो यहाँ पर एक इमेज ऐड करना है और यहाँ पर एक इमेज ऐड करना है, तो यहाँ पर एक इमेज ऐड करना है, तो यहाँ पर सारे इमेज ऐड करना है। इसके बाद में आपको बैक करना है और से के पेट पे आना है, यहाँ पर फर्स्ट इमेज टाइप करना है, एपेट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, कॉपी कर लेना है, इसके बाद बैक करना है और बीट मैप प्रीसेट पे आना है। यहाँ पर 13:04 पे जो इमेज है उस इमेज पे टाइप करना है, एफिट पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, पेस्ट कर लेना है और उसके बाद बैक करना है और से के पेट पे आना है। यहाँ पर 3:21 पे जो से के पेट है उस पर कॉपी कर लेना है, उसके बाद बैक करना है और बीट मैप प्रीसेट ओपन कर लेना है। यहाँ पर 15:28 पे जो इमेज है उसमें पेस्ट कर लेना है और 18:11 पे और 21:3 पे और 23:23 पे और 26:16 पे
और 29.3 पे अब जो है बैक करना है और से कैपिट पाना है। यहाँ पर एटैच पे टाइप करना है, एपिट पे जाना है, थ्री रोड पे जाना है, कॉपी कर लेना है, उसके बाद बैक करना है और बीट मार पे सेट ओपन कर लेना है। यहाँ पर टेस्ट पे टाइप करना है, एपिट पे जाना है, थ्री रोड पे जाना है, पेस्ट कर लेना है और ये टेस्ट में पेस्ट कर लेना है और उसके बाद बैक करना है और से कैपिट पाना है। यहाँ पर इमेज जीप टाइप करना है, एपेड पे जाना है, थ्री रोड पे जाना है, कॉपी कर लेना है और उसके बाद बैक करना है। पर बीट मैप प्रीसेट ओपन कर लेना है जो इमेज जीप टाइप करना है, एपेड पे जाना है, थ्री रोड पे जाना, पेस्ट कर लेना है। तो सारे इमेज में ये तो सारे इमेज में ये एपेट पेस्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर इमेज ऐड करने के लिए तो यहाँ पर 13:26 पहना है तो यहाँ पर सारे इमेज ऐड करना है। इमेज ऐड करने के लिए तो इस पर टाइप कर लेना है और यहाँ पर कलर एंड फिल पे जाना है और स्टार पे जाना है। अब जो अलाइट पर से हमने क्रॉप किया था वो इमेज सेलेक्ट कर लेना है और सेकेंड इमेज पे टैप करना है और कलर एंड फिल पे जाना है और यहाँ पर स्टार पे जाना है। यहाँ पर अलर्ट मेसेज में जो क्रॉप किया था वो इमेज सेलेक्ट कर लेना है। तो आप इसी तरह से सारे में इमेज ऐड कर लेना है। तो आप इसी तरह से सारे में इमेज ऐड कर लेना है। और तो आप सारे में इमेज ऐड करने के बाद में यहाँ पर सेटिंग पे टाइप कर लेना है और यहाँ पर उसको 720 HP रखना है और यहाँ पर 30 PS रख लेना है। अगर इसमें साइज कम ज़्यादा हो तो वीडियो सही नहीं बनेगा। इतना साइज रख के यहाँ पर शेयर पे टाइप कर लेना है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है।